दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यंगिस्तान को मिला अनुभव का साथ। दुनिया के महानतम कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी बनाएंगे भारत की युवा ब्रिगेड को विश्व चैंपियन। न्यूजीलैंड पर भारत का परचम लहराने के लिए रातों रात मेंटोर धोनी पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड, जहां खेली जाने वाली 3 वनडे मैचों की ऐतिहासिक सीरीज, जिनके साथ गया है एक ऐसा धाकड़ ऑलराउंडर जो अकेले अपने दम पर पूरे के पूरे न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाने का मादा रखता है। तो आखिर कैसे रातों रात बीसीसीआई ने बदलाव की आंधी में लिए हैं ऐतिहासिक फैसले, और कौन है वो होनहार खिलाड़ी, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे बेहतर कप्तान है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, परिवर्तन की आंधी इस कदर आई है कि पहले कप्तान के बाद हुई टीम के सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी, जिसके बाद रद्द हुई है पूरी की पूरी टीम सिलेक्शन कमेटी। लेकिन बीसीसीआई अभी भी रुकने के मूड में नहीं है। जी हां, जहां उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों को निकालने के बाद यंगिस्तान को न्यूजीलैंड फतह करने की कमान सौंपी है, जहां हार्दिक पांड्या को बनाया गया है T20 का कप्तान, तो भारत के गब्बर शिखर धवन को मिली वनडे की कमान। लेकिन उनका सबसे बड़ा फैसला था भारत की चयन कमेटी को एक साथ बदलने का, जिसका एक उदाहरण सेट किया है। दोस्तों, रिजल्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिला और भारतीय टीम ने दूसरा T20 मैच बहुत ही शानदार तरीके से 65 रनों से जीत लिया, जिसमें 18 नवंबर की रात चमका सूर्य कुमार यादव का सितारा। उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी के बाद दीपक हुड्डा और यजुवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की धरती पर रौंद दिया, और ऐसा लग रहा है कि वो ये T20 सीरीज बड़े ही आसानी से जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती भारतीय टीम के सामने आने वाली है एक दिवसीय सीरीज में, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमेशा वनडे मैचों में भारतीय टीम को ऐतिहासिक शिकस्त दी है, और 2023 में खेले जाने वाला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जी हां, आपको बता दें कि 3 मैचों की वनडे सीरीज में जख्मी न्यूजीलैंड घायल शेर की तरह भारतीय टीम पर पंजा मारने के लिए इंतजार कर रही है, जो 25 नवंबर से शुरू हो रही है, और इसमें कप्तान बनाया गया है शिखर धवन को। ऐसे में बीसीसीआई ने परिवर्तन के इस दौर में एक और सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, जहां दुनिया के महानतम कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी और उनको भारतीय टीम के लिए नया मेंटोर बनाया गया है। इतना ही नहीं, धोनी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए रातों रात न्यूजीलैंड के लिए रवानगी डाल दी, और जहां एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए धोनी को स्पॉट किया गया, यानी कि वो न्यूजीलैंड पहुंच गए, और जिसकी तस्वीरें सामने आई और क्रिकेट जगत में जैसे तो सुनामी आ गई ये जानकर। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था, धोनी के साथ कुछ एक ऐसे खिलाड़ी भी थे जिसे देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने भारत के एक और होनहार युवा खिलाड़ी को न्यूजीलैंड भेजा है, जिसके पास जसप्रीत बुमराह की तरह खतरनाक रफ्तार तो अर्शदीप सिंह की तरह घातक स्विंग मौजूद है। और केवल इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये खिलाड़ी कप्तान हार्दिक की तरह चौके और छक्कों की बरसात भी कर सकता है, किसी भी गेंदबाज पर आक्रमण कर धज्जियां उड़ा सकता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर हैं, जो धोनी के साथ न्यूजीलैंड पहुंचे हैं, और वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड की धरती से लेकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में तहलका मचाया हुआ है। और अब ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड को उन्हीं की धरती पर रौंदने के लिए भारतीय टीम के साथ जुड़ गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धोनी के नेतृत्व में शिखर धवन भारतीय टीम को एक दिवसीय सीरीज में जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।